हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल एच डी हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ अकाउंटेंसी टी एस की टेक्स्ट बुक से बुक थ्री चैप्टर थ्री कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स और अभी हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ कंपैरेटिव बैलेंस शीट सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक सो क्वेश्चन नंबर सिक्स फ्राम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड एज एट थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट यह बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें दो साल का डाटा अवेलेबल है थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन एंड थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइन्टीन प्रीवियस ईयर है और थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी करेंट ईयर है नव कंपनी का बैलेंस शीट वर्टिकल होता है पहले सारे लाइब्रेटीज़ लिखे जाते हैं उसके नीचे लिस्ट ऑफ़ लाइब्रेटीज़ फिर उसके नीचे एसेट्स होता है और फिर उसके नीचे एसेट्स का लिस्ट लाइब्रेटीज़ में शेयर होल्डर्स फंड है नॉन करंट लाइब्रेटीज़ है और करंट लाइब्रेटीज़ है ये हेड्स कहलाते हैं और उसके अंदर जो लिखा हुआ है ये सब हेड्स कहलाते हैं हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है क्योंकि आगे के दो चैप्टर्स में बैलेंस शीट के फॉर्मेट का ही पूरा इस्तेमाल है सो इक्विटी एंड लाइबलिटीज़ में फर्स्ट हेड है शेयर होल्डर्स फंड उसका सब हेड है शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर फाइव लाख, करंट ईयर टेन लाख। सेकेंड सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर में भी वन लाख और करंट ईयर में भी वन लाख देन हेड है नॉन करंट लाइबलिटीज़ इसका सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर थ्री लाख, करंट ईयर टू लाख, देन हेड है करंट लाइबिलिटीज सब हेड ट्रेड पेएबल्स प्रीवियस ईयर वन लाख, करंट ईयर टू लाख, ग्रैंड टोटल प्रीवियस ईयर टेन लाख, करंट ईयर फिफ्टीन लाख। नाउ वी विल सी द लिस्ट ऑफ एसेट्स नाउ एसेट्स में फर्स्ट हेड है नॉन करंट एसेट्स सब हेड फिक्स्ड एसेट फिक्स्ड एसेट्स में पहला है टेंजिबल एसेट्स प्रीवियस ईयर फोर लाख करंट ईयर एट लाख इनटैजेबल एसेट्स प्रीवियस ईयर टू लाख करंट ईयर आल्सो टू लाख देन सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स प्रीवियस ईयर टू लाख करंट ईयर भी टू लाख देन सेकेंड हेड है करंट एसेट्स उसका फर्स्ट सब हेड प्रीवियस ईयर वन लाख फिफ्टी थाउजेंड करंट ईयर टू लाख फिफ्टी थाउजेंड और सेकेंड सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्रीवियस ईयर फिफ्टी थाउजेंड करेंट ईयर ऑल्सो फिफ्टी थाउजेंड एंड ग्रैंड टोटल इज़ टेन लैख एंड फिफ्टीन लाख रेस्पेक्टिवली नाउ वी हैव टू प्रिपेयर कंपेरेटिव बैलेंस शीट सो लेट अस सी द सोल्यूशन नाउ सोल्यूशन सिक्स इन द बुक्स ऑफ रॉयल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपेरेटिव बैलेंस शीट एज ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च टू थाउजेंड नाइनटीन एंड टू थाउजेंड ट्वेंटी पर्टिकुलर्स नोट नंबर ये प्रीवियस ईयर ये करंट ईयर एब्सोल्यूट चेंज मतलब करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर एब्सोल्यूट चेंज एंड देन परसेंटेज चेंज चेंज एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर दैट इज प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाइड बाय हंड्रेड नाउ इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड में फर्स्ट है शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर में फ़ाइव लाख ,00 था करंट ईयर में टेन लाख ,00 हो गया मतलब फाइव लाख ,00 रुपीज़ इंक्रीज हो गया एंड दिस इंक्रीज इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ बेस ईयर दैट इज़ प्रीवियस ईयर हंड्रेड परसेंट यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है ये फार्मूला में लगा सकते हैं फाइव लाख मल्टीप्लाइड बाई हंड्रेड डिवाइडेड बाई फाइव लैख ना रिजर्व सेंड सरप्लस में नो no चेंज है देन सेकेंड हेड है नॉन करेंट लाइबिलिटीज इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंगस थ्री लाख से टू लाख ,00 हो गया करंट ईयर में इसका मतलब है वन लाख रुपीज़ का रिड्यूस है रिड्यूस्ड बाय वन लाख, सो दिस वन लाख इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ थ्री लाख दैट इज थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज लेकिन ये एक निगेटिव अमाउंट है डिक्रीज हो रहा है इसलिए इसे ब्रैकेट में शो कर सकते हैं या माइनस लिख सकते हैं देन नेक्स्ट आइटम इज़ करेंट लाइबिलिटीज करेंट लाइबिलिटीज़

नाउ द एसेट पार्ट एसेट पार्ट में है फर्स्ट नॉन करंट एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स प्रीवियस ईयर फोर लाख करंट ईयर एट लाख, सो दर इज एन इंक्रीज ऑफ फोर लाख एंड दिस फोर लाख इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ फोर लाख इट इज हंड्रेड परसेंट नाउ इनटेंजिबल एसेट्स प्रीवियस ईयर टू लाख करंट ईयर ऑल्सो टू लैख दर इज़ नो चेंज non current investments previous year 2 lakh current year also 2 lakh there is no change then coming to current assets subhead is inventory previous year 1 lakh 50000 current year 2 lakh 50000 so there is an increase of 1 lakh and 1 lakh is how much percentage of 1 lakh 50000 it is 66.67 percentage then cash and cash equivalent there is no change grand total has increased by 5 lakh which is 50 percentage of the previous year so this is the solution now coming to question number 7 from the following balance sheet of hp limited as at 31st march 2020 prepare comparative balance sheet नाउ यहाँ बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें दो साल का डाटा दिया हुआ है दिस इज़ प्रीवियस ईयर एंड दिस इज़ करंट ईयर बिकॉज 2019 प्रीवियस ईयर है 2020 थाउजेंड करंट ईयर है नाउ इक्विटी एंड लाइबिलिटी में हेड है शेयर होल्डर्स फंड उसका फर्स्ट सब हेड शेयर कैपिटल उसमें भी इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर फाइव लैख एंड करंट ईयर ट्वेल्व लैख फिफ़्टी थाउजेंड दैन प्रिफरेंट शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर टू लैख थाउजेंड करंट ईयर थाउजेंड देन सेकेंड सब हेड इज़ रिजर्वस एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर फोर लैख फिफ़्टी थाउजेंड करंट ईयर थ्री लैख फिर दूसरा हेड है नॉन करंट लाइबिलिटीज इसका सब हेड लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में ट्वेल्व परसेंटेज डिबेंचर्स प्रीवियस ईयर फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड करंट ईयर नाइन लैख फिफ्टी थाउजेंड सो इनक्रीज हो गया एंड लोन फ्रॉम डायरेक्टर्स प्रीवियस ईयर टू लैख एंड करंट ईयर टू लैख फिफ्टी थाउजेंड देन थर्ड हेड है करंट लाइबिलिटीज उसमें फर्स्ट सब हेड short term borrowings previous year 175000 current year 350000 trade payables previous year 1 lakh current year 2 lakh short term provisions previous year 25000 and current year 50000 grand total previous year 22 lakh 50000 and current year 36 lakh now let us see the assets assets first head is Non current asset, subhead fixed asset, previous year 15 lakh, current year 22 lakh 50,000. And second head is current asset, subhead inventories, previous year 2 lakh 50,000, current year 4 lakh 50,000, trade receivables, previous year 4 lakh 50,000, current year 8 lakhs. And last subhead is cash and cash equivalent, previous year 50,000, current year 1 lakh and grand total previous year 22 lakh 50 thousand and current year 36 lakh now we have to prepare comparative balance sheet for the years now solution 7 in the books of hp limited comparative balance sheet as on 31st march 2019 and 2020 now this is प्रीवियस ईयर एंड दिस इज करंट ईयर यह है डिफरेंस दैट इज एब्सोल्यूट चेंज और यहाँ परसेंटेज फर्स्ट है शेयर होल्डर्स फंड शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर फाइव लाख करंट ईयर ट्वेल्व लाख फिफ्टी थाउजेंड सो दर इज़ एन इंक्रीज ऑफ सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड एंड दिस सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड इज वन हंड्रेड एंड फिफ्टी परसेंटेज ऑफ फाइव लाख प्रिफरेंट शेयर कैपिटल नो चेंज नाउ रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर फोर लैख फिफ़्टी थाउजेंड करेंट ईयर थ्री लैख मीज दर इज़ अ डिक्रीज बाय वन लैख फिफ़्टी थाउजेंड अब वन लैख फिफ्टी थाउजेंड इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ बेस ईयर इज़ थर्टी थ्री पॉइंट थ्री थ्री परसेंटेज ये ब्रैकेट में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ जो चेंज है एब्सोल्यूट चेंज वो निगेटिव है और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि अगर हम शेयर कैपिटल को कलेक्टिव कंपेयर करते हैं तो यहाँ आ गया सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड इनका ग्रैंड टोटल और यहाँ आ गया फिफ्टीन लाख ये दोनों का डिफरेंस है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड अगर हम इसको कंबाइंड रूप से चेक करते हैं तो द डिफरेंस इज हंड्रेड परसेंटेज जो कि पीछे बुक में आंसर दिया हुआ है हंड्रेड परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर ये भी सही है और इस तरीके से अगर अलग अलग शो करते हैं देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट नाउ लेट अस मूव ऑन करेंट लाइबलिटीज़ इन दिस नॉन करेंट लाइबलिटीज़ लॉन्ग टर्म बोरइंग ट्वेल्व परसेंटेज डिबेंचर्स हैं ट्वेल्व परसेंटेज डिबेंचर्स प्रीवियस ईयर फाइव लाख फिफ्टी थाउजेंड करेंट ईयर नाइन लाख फिफ्टी थाउजेंड सो दर इज़ एन इंक्रीज़ फोर लाख रुपीज़ का इंक्रीज़ है और यहाँ पर फिफ्टी थाउजेंड रुपीज़ का इंक्रीज़ है सो यहाँ पर फोर लैख इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ फिफ्टी फाइव लैख फिफ्टी थाउजेंड इट इज़ सेवेंटी टू पॉइंट सेवन टू परसेंटेज और यहाँ पर ट्वेंटी फाइव परसेंटेज लेकिन यहाँ भी अगर हम कलेक्टिवली अगर हम बात करें इन दोनों का टोटल एक साथ को इन दोनों के टोटल से कंपेयर करेंगे तो यहाँ का ग्रैंड टोटल है सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड और यहाँ का ग्रैंड टोटल है ट्वेल्व लैख सो कितना इनक्रीज फ़ोर लैख फिफ्टी थाउजेंड दिस फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेवन लैख फिफ्टी थाउजेंड इन दैट केस यू विल गेट सिक्सटी परसेंटेज सो दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट एंड अलग अलग शो कर रहे हैं तो ये भी सही है अब थर्ड हेड देखते हैं करंट लाइबिलिटीज करेंट लाइबिलिटीज थर्ड हेड इज फर्स्ट इज शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्रीवियस ईयर वन लाख सेवेंटी फ़ाइव थाउजेंड एंड करंट ईयर थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड सो इट हैज़ इंक्रीज बाई वन लैख सेवेंटी फ़ाइव थाउजेंड इंक्रीज़ हो गया वन लाख सेवेंटी फ़ाइव थाउजेंड से और ये बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर का कितना परसेंट है हंड्रेड परसेंटेज है उसी तरीके से यहाँ भी इंक्रीज़ दिख रहा है वन लाख रुपीज़ का इंक्रीज है और ये वन लाख इज़ हंड्रेड परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर लाइकवाइज़ शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में भी देखेंगे ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इंक्रीज हो रहा है एंड दिस ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज हंड्रेड परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर नाउ कमिंग टू ग्रैंड टोटल डिफरेंस है थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड का एंड दिस थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड इज सिक्सटी परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर नाउ वी विल चेक द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट सो दसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट फर्स्ट हेड इज़ नॉन करंट एसेट्स सब हेड फिक्स्ड एसेट्स प्रीवियस ईयर 15 लाख एंड करंट ईयर 22 लाख 50,000 सो इंक्रीज हो रहा है 7 लाख 50,000 से और 7 लाख 50,000 15 लाख का 50 परसेंटेज है आप फार्मूला लगा करके भी निकाल सकते हैं दूसरा हेड है करंट एसेट्स उसका फर्स्ट सब हेड इन्वेंट्रीज़ इन्वेंट्रीज़ प्रीवियस ईयर टू लाख फिफ्टी थाउजेंड करंट ईयर फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड इनक्रीज़ हो गया टू लाख का और दिस टू लैख इज़ एट्टी परसेंटेज ऑफ टू लैख फिफ्टी थाउजेंड फिर सेकेंड सब हैड है ट्रेड रिसिवेबल्स प्रीवियस ईयर फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड करंट ईयर एट लाख इंक्रीज हो गया थ्री लाख फिफ्टी थाउजेंड से और थ्री लैख फिफ्टी थाउजेंड फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड का कितना परसेंट है तो वो है सेवनटी सेवन पॉइंट सेवन सेवन परसेंटेज लास्टली कैश एंड कैश इक्विवलेंट प्रीवियस ईयर फिफ्टी थाउजेंड करंट ईयर वन लैख दर इज़ एन इंक्रीज ऑफ़ फिफ्टी थाउजेंड और फिफ्टी थाउजेंड बेस ईयर का कितना परसेंट है हंड्रेड परसेंट है एंड नाउ ग्रैंड टोटल दर इज़ एन इंक्रीज ऑफ थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड और थर्टीन लैख फिफ्टी थाउजेंड ट्वेंटी टू लैख फिफ्टी थाउजेंड का सिक्सटी परसेंट है लेकिन यहाँ पर एक चीज़ को और ध्यान दे सकते हैं अगर हम करंट एसेट्स का ग्रैंड टोटल निकालें इसका ऐसा ग्रैंड टोटल निकालें तो इनका टोटल है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड और यहाँ इनका टोटल है थर्टीन लाख फिफ्टी थाउजेंड सो इंक्रीज कितना हो गया सिक्स लैख का इंक्रीज़ हो गया एंड दिस सिक्स लैख इज़ हाउ मच परसेंटेज ऑफ सेवन लैख फिफ़्टी थाउजेंड इन सिक्स लाख कितना परसेंट है सेवन लाख फिफ्टी थाउजेंड का वो है एट्टी परसेंटेज सो अगर ये निकाल रहे हैं तो भी सही है और अगर इसको अलग अलग निकाल रहे हैं देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट आई बिलीव दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द चैप्टर वेरी वेल एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग